तापर आसला कविंकर चिलिका काव्य। पार्वती और नंदीकेश्वरी काव्यरे राधानाथ को दृढ़ भाव समालोचना कर तेणु राधानाथ भांगी पड़ते पिता और कन्यार विभत्स प्रणय और नंदीकेश्वरी काव्यरे वीरबाला नंदिका सामान्य प्रेम पाई उत्कलर भविष्य को टेकदे दुईट निंदापूर्ण कहानी वर्णना करम संस्कृति में यह सबू ना विदेशी संस्कृति यार राशि राशि प्रमाण मिले से जहा हूँ 1891 मसीह कविवर राधानाथ द्वारा रचित चिलिका काव्य राधानाथ को संस्कृति पूजक भाव में किसी मात्रा सांत्वना दे। चिलिका काव्य में मध्य राधानाथ विदेशी कथा वस्तु को अनुकरण करछन्ति। लेडी अफ द लेक रो आभास एथिरे मिलिथाय। एथिरे अंत प्रकृति और बही प्रकृति होउछि समन्वय। चिलिका होउछि काव्यर नायिका। कवि हृदय सौंदर्य बोध प्रकृति प्रीति जातीयता बोध आशावाद जीवन यंत्रणा इतिहास सचेतनता इत्यादि यही काव्य मर्म रीत। चिलिका काव्यर गोटे पंक्ति दृष्टपूर्व हो अपूर्व प्रतीति सुंदर पणरे चिरंतन रीति सुंदर तृप्तिर अवसाद ना जिते देखुले नुआ दिशु थाए उत्कल पलिप्रकृति को जथेष्ट सम्मान दे थाए। पुणी उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबू चिलिका यही काव्यर नायक निजे राधानाथ। राधानाथंकर दृष्टि उत्कल पलिप्रकृतिर शोभाराजि तुलना ना। चिलिका काव्य राधानाथ जड़े प्रकृति प्रेमी विदग्ध कवि भाव चित्रित। चिलिकार नील जलराशि बालीचर समग्र उत्कल नद नदी कानन कांतार शैल सबु राधानाथ दृष्टि अभिनव। चिलिकार अपरंत सौंदर्य रूपदर्शन करुवा समय कवि राधानाथ केत दार्शनिक पाल्टी जा आउ के विषादवादी हो पड़ते जीवनर अव्यक्त जंत्रणा को से ही काव्य मध्यम प्रकाश करने को चेष्टा कर छार भाग्य मोर पिहित पाषाणी मो जीवन गढ़ा अन्य उपादाने चीर हाहामय ए छार जीवन जीवन नुह जीवंत मरण जीवनर जिते दुख जिते जंत्रणा अवशोष अतृप्ति असफलता सबुक चिलिका काव्य अति संयत भाव राधानाथ प्रकाश कर। चिलिका काव्य उत्कल प्रीतिर अलिभा स्मारकी आंकी राधानाथ निजर निंदुक मानक पट्टी बंद कर। आसला कविंर महाजात्रा काव्य 1842 महाजात्रा सृष्टि पूर्वर नंदीकेश्वरी पार्वती काव्य रचना करी राधानाथ संस्कृति निंदुक भाव परिचित हो सारी। राधानाथों पर प्रतिभा संपन्न कष्टश्रेष्ठ उदारवादी चरित्र को एक खूब बाधिता से बोधे राधानाथ महाजात्रा पर महाकाव्य रचना करी संस्कृति सम्मान रखापी बद्धपरिकर हेले। काव्य राधानाथ प्रथम सारला को स्मरण कर महाजात्रार समग्र कथावस्तु पुराण पर आधारित मात्र कवि राधानाथ पांडव मानू नीलाचल क्षेत्र को आनी से अग्निदेवता आविर्भाव कराई। महाजात्रा काव्य पांडव मानू बुलाइवा छल कवि बहुत तीर्थधाम परिचय प्रदान करशार भौगोलिक और किंवदंतीमूलक स्थान परिचय प्रदान कर। महाजात्रा एक असंपूर्ण महाकाव्य कवि महाजात्रा काव्य मुक्त छंदर प्रयोग कर। कवि महाजात्रा काव्य जातीय ऐक्य प्रतिष्ठा पाई चाहते पांडव मान तीर्थजात्रार मार्ग हस्तिनापुर को संक्षेप वर्णना कर उत्कल श्रीक्षेत्र पहुँचाइवा कवि राधानाथ एक अभिनव कल्पना। राधानाथ तांकर मौलिकता अन्य एक स्थान में दर्शाई जितेबाला समुद्रर नील तुरंगु अग्निदेवता आविर्भाव होती। अग्निदेवता महोदधि आविर्भूत हो पांडव मानक नीलाचल धाम महिमा संपर्क में सूचना प्रदान कर। पांडव वीर अर्जुन को दिव्यस्त्र और गांडीव धनु सागर को फिंगिदेवाई परामर्श कर। राधानाथ महाजात्रार कथावस्तु कवि सालादास स्वर्गारोहण पर्व अनुसरण रचना कर। मूल महाभारत अग्निदेवता ब्राह्मण बेस अर्जुन पाखु धनुषर मागि नहीं मात्र राधानाथ जल मध्य अग्निदेवता को सृष्टि कर अर्जुन को गांडीव धनु फिंगिदेवाई परामर्श कर। अर्जुन अग्निंकर परामर्श ग्रहण करी अस्त्र समुद्र गर्भ को फिंगिदेबा परे स्वयं अग्निदेवता पांडव मानंकु संगरे घेनी ओडिशार तीर्थक्षेत्र भ्रमण करिछंदी और सेमानंक पाखरे विभिन्न तीर्थर महात्म्य मध्य वर्णना करिछंदी। पांडव माने उत्कल तीर्थ भ्रमण बेले राधानाथ प्रकृतिर चारुचित्र अंकन करिछंदी। उत्कल प्रकृतिर मनोरम चित्र राधानाथ लेखन अति जीवंत भाव में वर्णित होमती वनदेवी सौधाकृति वनस्पति शाखे परिसे जीवन बीणा जीना कंठरवे राबुंट अष्टकाले कष्टपेड़ शुआ नदीकूल बंधु श्यामा सार चषा पुए।
प्रकृतिर मनोरम दृश्य सांगकु गाउँली चषापुआ पर्यंत बहु विचित्र अनुभूति ओ प्रकृतिर शोभाराशि राधानाथंक लेखनीरे अतीव चमत्कार भावे फुटि उठिछि। पांडव मानंकु उत्कलीय प्रकृतिर शोभादर्शन करायबा छळरे राधानाथ उत्कलर सम्मान रक्षा करिछन्ति। बहु नूतन तीर्थस्थान मान परिदर्शन कराइछन्ति। एथिमधरु चक्रतीर्थ चिलिका सर आदि तीर्थक्षेत्र मानंकर उत्पत्ति उपरे मध्य सविशेष व्याख्या करिछन्ति। एही पद्यांशरे राधानाथ उत्कलकु भारतवर्षर श्रेष्ठ स्थान रूपे परिगणित करिछन्ति। भार्गवी ऋषिकुल्या कपिसा आदि नदी जो उत्कल में बही जाइए जार कलक नादिनी धारा उत्कल को कालमय कर पवित्र उत्कल भूमि को राधानाथ महान बोली कहते। केवल से नुह पांडव मानक महानदी बारवाटी महेन्द्र पर्वत बैतरणी कपिलास मालभूमि झरप्रसवण आदि पवित्र स्थान भ्रमण कराई तार परिचय प्रदान कर राधानाथ पांडव मानक बुलेई सारला परे शेषे आसुछन्ति सेमाने महानदी कूल आसिकी पहुँचुंट। महानदी शोभाराजी वर्णना कर सारा पर पांडव मानक नहीं अग्निदेवता मेघासन सातकोशिया गोनासा माल्यगिरी मणिनाग कपिलास पंचधारा पर्वतावली और देउल तटर उष्म प्रसवण दर्शन कराई। सत्ययुग पर कलीर प्रवेश हेल्ले क्यों सब घटना घटव से संपर्क में अग्निदेव सूचना प्रदान कराई। सेमाने आसीथिले हस्तिनारु समग्र उत्तर पथ दे अरण्य परिक्रमा करी पूर्व सीमा पर्यंत जाई पुनर्बार दक्षिण भारत को आसिले नाना स्थान बुली बुली शेषे पहुँचिले सह्याद्री पर्वत उपरे। सेठारे अग्नि युधिष्ठिर को देले अंजन एवं से ही अंजन बलरे युधिष्ठिर देखिले अतीत वर्तमान और भविष्य भारत वर्ष को। युधिष्ठिर केवल द्रष्टा मात्र कौन प्रकार प्रतिक्रिया प्रकाश पाए ना से नीरव द्रष्टा ये युधिष्ठिर हो जाए निष्क्रिय नायक। एथर युधिष्ठिर देखिले भविष्य भारत वर्ष को पौराणिक भारत वर्ष अवक्षयग्रस्त हो जाए धर्म साहस सत्य न्याय तप क्षमा दया शौच तितिक्षा प्रभृति देवगुण लोप पाई काम क्रोध लोभ मद ईर्षा मिथ्या साठ्य कलह आलस्य आदि प्रधान लाभ करुच्ची। भारतर धर्म और संस्कृति में परिवर्तन देखा जाए ब्राह्मण और क्षत्रिय मानर पतन हो जाए फल सामाजिक जीवन प्रकाश पाँच नाना कुसंस्कार एवं व्यभिचार। पाश्चात्य प्रभाव ए काव्य विशेष नथिले भर्जिलिंग द्वारा राधानाथ प्रभावित होइतिबार जणा जाइथाय। राधानाथंकर महाजात्रा यथार्थरे एक असंपूर्ण काव्य बहुबार समालोचनार सरबे हुई राधानाथ एही महाकाव्यटिकु रचना करिबाकु जाय असंपूर्ण अवस्था छाड़ी जाइछन्ति। एहा सातगुडी स्वर्ग को नहीं रचित। तापर आसिला कविंकर दरबार काव्य 1897 राधानाथ प्रतिभार दीप्तकेतन दरबार। उत्कल साहित्य पत्रिकारे एहा प्रथमे बयासिकी बाणी नाम आत्मप्रकाश करिबा परे दरबार नाम परिवर्तित होइथिला। एही काव्यरे रूप दृष्टा नाही प्रकृति दृष्टा नाही सौंदर्य दृष्टा नाही अछि जीवन दृष्टा। इंग्रेज शासन शिक्षा संस्कृति और सभ्यता फल सेतेबेले भारतरे तथा ओडिशा रे नूतन साहेब श्रेणीर उद्भव घटिथिला। जो माने एदेशर संस्कृति भाषा और साहित्य को घृणा करुथिले दरबार काव्य राधानाथ से ही मानक आघात देले। उपाधि और आसन पर संघर्ष करुथिबा मनुष्य मानक आघात देले। 1894 साल अगस्त मास 29 तारीख दिन कटक सहर बारवाटी किल्ला रे एक दरबार अनुष्ठित होइथिला। एही दरबार रे सामंत चंद्रशेखर को महामहोपाध्याय और कापुर जमीदार गोविंद बल्लभराय को रायबहादुर उपाधि देवार व्यवस्था होइथिला। एही दरबार को बहु राजा जमीदार और सरकारी कर्मचारी मानक निमंत्रण करा जाइथिला। राजा और जमीदार माने जेपरी पोशाक प्रदान करी बाण फुटाई बाजा बजाई दरबार को आसिले ताहाकु राधानाथ कठोर समालोचना करिछन्ति। केतक साहेबी पोशाक पिंधि साहेबी ठाणी जेपरी कथबार्ता करछन्ति ताहा मध्य कविंकर समालोचना रहिछि सरव्य। पुलिस कर्मचारी और सरकारी चपरासी मध्य समालोचनार पात्र होइछन्ति। राधानाथंकर समकालीन राजा महाराजा माने सामंत चंद्रशेखर को किंबा कापुर जमीदार गोविंद बल्लभ राय को उपाधि देवाई जो को देते निज निज भितर आत्मगाड़िमा दर्शाई जड़े आउ जन बड़ बोली से प्रमाणित करते जहाँ राधानाथ राय को भल लग ना तेणु से भाई एम तो कौन उपाय जवाब देहबनी तेणु से कविता मध्यम से प्रतिशोध नापी से कड़ा जवाब देवाई दरबारी काव्य रचना करते। तेणु से राजा मान भोग विलास और अनीति आचरण
को वर्णना करछन्ती सामंत चंद्रशेखर महिमामय व्यक्तित्व और दुर्दशा मध्य शेष को वर्णना करछन्ती। काव्य भितरे राधानाथ बहु नीति और उपदेश प्रदान करछन्ती, धर्मर महत्व को मध्य दर्शाई जाई कहिछन्ती, धर्म एक पोत गढ़ी अछि विधि तरीबा को ही संसार बारिधि, धर्म एकासिना महत्वपणिया आउ बड़पण अढ़ई दिनिया, बड़पण भाई एकासिना से छड़ाई कही जा न पारई नहीं, बड़पण से अंत्य सुधा जार सौरभे चहटु थाओ ए संसार। तेणु यह एक व्यंग काव्य भाव में सफलता पाई। यहपर मध्य राधानाथ आहुरी केतोटी काव्य एवं कविता रचना कर 1845-1908 मसीह कवि प्रतिभार हेला अवक्षय। तांकर तुलसी स्तबक 1894, जजाति केशरी 1894, उर्वशी 1895, सतीप्रति सतीद्रोही पतिर उक्ति एवं तीन बंधु 1898, दशरथ वियोग 1901, कालिदास सूत्रय 1902, भरत गीतिका 1903, धवलेश्वर स्त्रोत्रम 1903, बाणहरण 1904, श्मशान दृश्य 1904, एकाग्रता 1904, दुर्योधनंकर रक्तनदी संधारण 1905, सावित्री चरित्र 1911, निवेदन 1911, प्रतापरुद्र 1911 आदि कवि प्रतिभार अस्तराग समयर कविता। उर्वशी असंपूर्ण काव्य, एकदा अरण्य भितर सज्ञाहीन उर्वशी को देखिंट राजा पुररबा। सखी चित्रलेखा ठार् राजा शुणिले कौनसी एक दानव भय उर्वशी सज्ञा हर तत्पर राजा जलसिंचन कर उर्वशी सज्ञा फेर रथरे उर्वशी और चित्रलेखा को नहीं हेमकुटगिरि को जाती बाटे राजा देहस्पर्श उर्वशी चिहरित हो जाए। हेमकूट गिरी पुररबा विदा नहीं चली जाइंट काव्यटी असंपूर्ण रही अवशिष्टांश को राधानाथ गद्याकार लिखिदेई। जजाति केशरी कवि अन्य एक काव्य, यही काव्यर विषयवस्तु हो पूर्वे मगध देश में जैनिक राजा प्रथम पत्नी गर्भर जमज सतान जन्म हेले गोटे पुत्र और अन्यटी कन्या, कन्यार नाम विमला। द्वितीय पत्नी प्रभाव में राजा प्रथम पत्नी पुत्र और कन्या सहित राज्यर निर्वासन हेले। पुत्र जजाति और कन्या विमला रूप से अद्भुत सामंजस्य, उभये शस्त्र और शास्त्र विद्यार दक्ष। भाई भौणी अश्वारोहण कर श्रीक्षेत्र को आसला बेले बाटर बीरजा क्षेत्र में अनेक दिन अवस्थान कले। विमला पुरुष बेस सर्वदा रोते एकदा विमला जाते अरण्य को शिकार करने जजाति बसि देवी फुलहार गुंथुले। यही समय उत्कल राजनंदिनी ललिता सखी मान सहित बीरजा देवी को दर्शन करने को आसते। जजाति ललिता सौंदर्य को देखी मुग्ध हो गले। राजजेमा देवी दर्शन सारी फेरला दृष्टि जजाति पड़ता तत्पर राजजेमा चलीगले। जजाति देखागला रूपानुराग। अन्य पक्ष ललिता अरण्य शिकार करने समय पुरुष बेसी विमला को देख विमुग्ध हो गले। मात्र जितेबले से जानले से युवक प्रकृत युवती सेतेबले सृष्टि गभीर भावांतर तथा उभय बंधुता सृष्टि राजपुर एकत्र रहिले। किसी दिन पर विमला फेरी आसी भाई को समस्त कथा कहला और जजाति निजर पोशाक पिंधाई दे ललिता पाखक पठाइला। रात जजाति कहले जैनिक जोगी आशीर्वाद से पुरुषत्व लाभ कर उभयर रात्रि गुप्त मिलन। राजा एक अवगत हो जजाति प्राणदंडादेश दे। जजाति क्षत्रियोचित भाव में मृत्युवरण करने को कहवर राजा सात जन योद्धा सहित युद्ध करने को आदेश देदिन रात देवी बीरजा सिंह बाहन बस राजा स्वप्नादेश दे जजाति प्रियतम भक्त। परदिन राजा देवी स्वप्न कथा समस्त कहले ललिता और जजाति बहुत। जजाति केशरी उत्कल राजा यही काव्य प्रणयमूलक इतिहास उपलक्ष्य मात्र यह एक रोमांटिक काल्पनिक काव्य कहले चले। बेकी प्रबंध बेकी एक दीर्घ प्रबंध मनीष चरित्र और प्रकृति संपर्कित यह एक मनमय आलेख्य। संसार में मनुष्य जीवन नाना दुख कष्ट रोग शोकर परिपूर्ण प्रत्येक मुहूर्त में घटी जात अघटन यही अघटन ही झटिका भौतिक और आध्यात्मिक भेदर यह द्विविध झटिका को अतिक्रम करने को नीति नियम मानवाक होता है अथच मनुष्य आघात पाए के नीतिप्रष्ट होता है। संघात और संघर्ष मनुष्य हुए अनुभूति विपद ही मनुष्य प्रकृत बंधु विपदर मनुष्य ज्ञान शिक्षा लाभ कै क्रोध मनुष्य को दुर्बल कै कोमल मना व्यक्ति सामान्य कथा भांगि पड़े तेणु विपद और संकट को अतिक्रम करने दरकार हो धैर्य। प्राबंधिक यही प्रबंध में नाना प्रकार दृष्टांत निजर जुक्ति को बलभद्र कर एक सूक्ष्म अनुशीलनधर्मी प्रबंध मनुष्य जीवन प्रति एक प्रबंध एकांत उपाध्याय। यही प्रबंध में इंग्रजी वाक्य गठन प्रणाली सहित बंगला गद्यशैलीर प्रभाव पड़ी। यह राधानाथ प्राथमिक रचना केतक त्रुटि विच्युति सत्वे यह प्रज्ञा प्रतिभा और दार्शनिक चिंतार मर्मय अभिव्यक्ति।
ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଇଟାଲୀୟ ଯିବା 1874 ରାଧାନାଥଙ୍କର ବିଦେଶୀ କଥାବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ ଏହା ଏକ ଗଳ୍ପ। ଏହା ଏକ ପ୍ରଣୟମୂଳକ ଗଳ୍ପ। ଭେନିସ ନଗରର ଇଟାଲୀୟ ଯିବା ଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ। ପିତା ଓ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଯୁବକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଲରା ନାମକ ଏକ ଯୁବତୀକୁ। ଫିଲିପ ଥିଲା ତାର ବନ୍ଧୁ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଛି। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପୁଣି ଯାଇଛି ଲରାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଫିଲିପ ଲରାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେହି ଯୁବକର ଜାହାଜରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଲରାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। ଯୁବକଟି ଲରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରିବା ପରେ ଫିଲିପକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ମାତ୍ର ତାହା ଦେଖାଯାଇଛି ଗଭୀର ଭାବାନ୍ତର। ସେ ଅନୁତାପ କରିଛି। ସେ ଅଙ୍କନ କରିଛି ଏକ ଭୂତର ଚିତ୍ର। ତତ୍ପରେ ସେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି। ଏହା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ କାହାଣୀ ମାତ୍ର। ଏହାର ଗଦ୍ୟଶୈଳୀ ମଧ୍ୟଯୁଗୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟଶୈଳୀକୁ ମନ ପକାଇ ଦିଏ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବର ପ୍ରତିଥି ଯଶା କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ସେ ନବୀନତାର ପ୍ରଥମ ବାହକ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟଧାରାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗକର୍ତ୍ତା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା, ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣରେ ନବଚେତନାର ରୂପକାର, ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବନକୁ ଏକ ରସବିନ୍ଦୁରେ ମିଳାଇ ଦେବାର ଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀ, ଜାତୀୟତାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଗାତା, କାବ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗକର୍ତ୍ତା, ବାସ୍ତବତା ଓ ନୈତିକତାର ଚାରୁଚିତ୍ରକର, ଭାଗ୍ୟ ଓ କାଳରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ 1908 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ଦାରୁଣ ଧକ୍କା। ବାସ୍ତବିକ ରାଧାନାଥଙ୍କର ବିୟୋଗ ଆଜିଯାଇଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟପୁରୁଷ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି ହୋଇ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।